निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। सर ये जो ओवर ब्रिज बन रहा है सर नगर निगम उसकी तरफ ध्यान दे रही है मगर ये जनता नगर निगम को ये मालूम नहीं है आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है मगर आम जनता ये सोच रही है हम कीचड़ में कहाँ उतरेंगे जब व्हीकल वाला आदमी कहाँ उतारेगा बीच रोड के अंदर अपने टेम्पू वाले हैं जो बीच रोड पे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके सवारी उतार रहे हैं वो आम जनता को काफ़ी दिक्कत हो रही है और हमारा ऑटो स्टैंड यहाँ पास में ही है हम खाना खाएंगे या बदबू खाएंगे यहाँ पे तो नगर निगम हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमने एप्लीकेशन पहले भी दी हुई है हमें उसने बोला 2-3 दिन में हो जाएगा काम मगर अभी तक नहीं हुआ है ये हमें 15 दिन हो गए सर हमको कुछ भी कोई भी यहाँ नहीं आया देखने के लिए अभी तक। ये रेलवे स्टेशन घंटाघर के सामने नाम मेरा नाम महेश आप देख रहे हो रेलवे स्टेशन के बाहर के पैसेंजर कैसे खड़ा रह सकता है यहाँ पे ठीक है ना। अगर जैसे कोई अपन को यहाँ पे लोकल किसी को जाना हो तो मेन रोड पे कौन थोड़ा खड़ा रहेगा तो यहाँ साइड में ही खड़ा रहेगा ना। आप ये साइड में खड़े रहने की भी जगह नहीं है इधर हम टेम्पू में बैठे तो बैठे कहाँ बैठे यहाँ रोड पर खड़े हो गए तो उधर टेम्पू वाला आएगा भैया साइड हो जाओ तो भैया बैठने के लिए कहाँ से खड़ा करने के लिए व्यवस्था भी नहीं है इधर कुछ भी खड़ा नहीं रह सकते 5 मिनट भी नहीं खड़ा रह सकते। नगर निगम में आपकी नगर निगम की एप्लीकेशन दी थी पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया इस चीज़ का। अभी आप ये देख लो 3 से 4 दिन हो गए इस गंदगी के से पड़े पड़े रेलवे स्टेशन के बाहर हाँ कालाबाजारी चल रही है अभी तक नगर निगम में भाई साफ सफाई अभियान अभी तक चल रहा है तो ये सब क्यों है ऐसा सफाई में मैं हम स्टेशन के अंदर ही खाते हैं तो इसकी गंदगी बदबू आती रहती है ना अंदर। आपका नाम? मेरा नाम अंतरलाल। जल पे नाली बनी हुई है तो यहाँ पे क्या लोग बाग आते हैं नाली के अंदर पेशाब करते हैं तो नाली बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है और हमारा ऑटो स्टैंड पास में है और टेम्पो से जो भी व्यक्ति उतरता है सवारी वो सीधे गंदे पेशाब करके अंदर बुड़ जाती है और बाद में पेशाब इतना है जहाँ पे हम खाना खाते हैं यहाँ पे 7-8 दिन हो गए हमने एप्लीकेशन दी नगर निगम के अंदर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। एप्लीकेशन दी थी क्या आश्वासन दिया था उन्होंने बोला 2-4 दिन के अंदर हो जाएंगे अभी तक हुआ नहीं साहब अभी भी गंदगी भरी हुई है आप देख लो खुद जाके खुद ही। आपका नाम? कन्नू।